अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आईटी विद सोनिया राजपूत। अगर आप विजडम शेयर का स्मार्ट क्लाउड टीवी यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एंड्रॉयड टीवी यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको ब्लूटूथ की ऑप्शन नहीं मिलती है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने एंड्रॉयड टीवी को किस तरह से ब्लूटूथ एनेबल्ड बना सकते हैं, या इस ब्लूटूथ हेडफोन को जो कि है P47 वायरलेस। ऑब्वियसली अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये वाकई में एक वायरलेस हेडफोन है। आप इस वायरलेस हेडफोन को विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। विजडम शेयर का जो टीवी मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लूटूथ एनेबल्ड नहीं है, यानी इसमें ब्लूटूथ की ऑप्शन नहीं है। या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी से रिलेटेड मैं ऑलमोस्ट 50+ वीडियोज़ को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरी उन वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसे क्लिक करके इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी ऑल वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस टीवी को ब्लूटूथ एनेबल करने के लिए मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत है जो कि है USB ब्लूटूथ ट्रांसमीटर। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप उसे वॉच करना चाहें तो आप इस चैनल पर जाके इस वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस डिवाइस को यूज़ करते हुए ना सिर्फ आप इस वायरलेस हेडफोन को बल्कि इन वायरलेस एयरपॉड्स को भी इस टीवी से कनेक्ट कर पाएंगे। इन वायरलेस एयरपॉड्स को इस डिवाइस के थ्रू इस टीवी से कैसे कनेक्ट करना है उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बट आज की वीडियो में मैं आपको ओनली वायरलेस हेडफोन को विजडम शेयर टीवी यानी ऐसे टीवी से कनेक्ट करने के लिए बताने जा रही हूँ जो कि ब्लूटूथ एनेबल्ड नहीं है, यानी जिसमें ब्लूटूथ की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चूँकि हमने टीवी से आवाज़ हेडफोन के थ्रू सुननी है तो इसलिए इस ऑक्स केबल के वन एंड को मैं इस डिवाइस के ट्रांसमिट पोर्ट में इंसर्ट करूँगी। ये ऑक्स केबल मैंने सेपरेटली बाय नहीं की है, ये मुझे USB ब्लूटूथ ट्रांसमीटर के साथ ही मिली है। देखिएगा यहाँ आपको इसकी दो पोर्ट्स नज़र आती है ना, एक रिसीव के आगे है और एक ट्रांसमिट के आगे। तो मैंने ट्रांसमिट के पोर्ट में ऑक्स केबल को इंसर्ट करना है। बस डिवाइस हो गई है रेडी। अब मैं डिवाइस के इस एंड को टीवी के USB पोर्ट से कनेक्ट करूँगी और ये जो अदर एंड है हमारे पास ऑक्स केबल का टीवी की ऑक्स पोर्ट में इंसर्ट करूँगी। यानी मेरी डिवाइस अब टीवी से कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। USB पोर्ट आपको यहाँ टीवी की बैक साइड में मिल जाती है। और जिसकी ऑक्स केबल है उसकी पोर्ट आपको टीवी की बॉटम में मिल जाएगी। आप देख लीजिएगा आपके टीवी में कहाँ है। मुझे टीवी की बॉटम में यहाँ पे ऑक्स केबल की पोर्ट मिली है। अगर आपको लगे कि आपकी वो जो USB ट्रांसमीटर से ऑक्स केबल यहाँ तक थोड़ा मुश्किल से आ रही है तो आप एक न्यू ऑक्स केबल भी बाय कर सकते हैं। अलबत्त मेरे टीवी में यहाँ ये इजीली कनेक्ट हो जाएगी तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेती हूँ। और अब मैं हेडफोन को भी टीवी से कनेक्ट करने के लिए रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास ब्लूटूथ हेडफोन है जो कि है P47 वायरलेस, और ये इन बटन से कंट्रोल होता है। खैर हमें इन बटन्स को इतना यूज़ नहीं करना है, बस यहाँ से हमने इसके पावर ऑन बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ब्लू लाइट ऑन हो गई है, यानी अब हमारा हेडफोन भी टीवी से कनेक्ट होने के लिए रेडी है। तो इस USB ऑडियो ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने के बाद और हेडफोन को रेडी कर लेने के बाद अब मैं टीवी से कोई चैनल ओपन कर लेती हूँ। आप YouTube या जो भी आप अपने टीवी के ऊपर ऑडियो वीडियो प्ले कर रहे हैं या कोई मूवी प्ले कर रहे हैं, चाहे वो उसको आप पेन ड्राइव के थ्रू प्ले कर रहे हैं, तो आप इस टीवी की ऑडियो इस हेडफोन पर ईजिली सुन पाएंगे। तो कंक्लूजन ये है कि आप इस टीवी पर कुछ भी प्ले करेंगे उसकी ऑडियो आप इस डिवाइस को यूज़ करते हुए हेडफोन से वायरलेसली सुन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो मैं पेन ड्राइव के थ्रू किसी वीडियो को प्ले कर रही हूँ ना यूट्यूब को प्ले कर रही हूँ, मैं जस्ट टीवी के चैनल्स पर जाऊँगी और वहाँ आपको टीवी की ऑडियो को हेडफोन के थ्रू सुनाऊँगी। तो यहाँ से मैं अपर नेविगेशन की को प्रेस करते हुए ATV पे जाऊँगी, एंटर का बटन प्रेस करूँगी। तो अब मैं रिमोट से म्यूट का बटन प्रेस करती हूँ ताकि हम इसके वॉल्यूम को सुन पाएँ। ये मैंने अनम्यूट कर दिया। ये जो आवाज़ आपको आ रही है
ये इसी हेडफोन में से आ रही है। और अगर आप टीवी के वॉल्यूम को कम करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आप रिमोट से ही अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर पाएंगे या ज़्यादा कर पाएंगे। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।